सो लेट्स बिगिन एंड हीर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ सब स्टेट लेवल फोर्सोराशंस इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज जीरो वन टू या फिर थ्री ये क्वेश्चन जो हो नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी में पूछा गया है ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्टली है ठीक है अगर इसमें यहाँ पे तुम लोगों को बोल दिया जाए सबस्ट्रेट लेवल फोर्सफोराइलेशन की जगह कि कितना जो है वो जी यूज़ होगा तो तुम आराम से बता दोगे कि सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर क्या होता है जब सक्सेनिल क्वेंजाइम ए सक्सेनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो अपना जी की फॉर्मेशन होती है तो वो एक जी की फॉर्मेशन होती है पर सिट्रिक एसिड साइकिल ठीक है तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो जी की फॉर्मेशन हो रही है उसी को हम सबस्टेट लेवल फोर्सोराइलेशन बोलते हैं इसीलिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ठीक है तो पर्टिकुलर जी बोल देते तो अपना राइट ऑप्शन क्या होता है वन और सबस्टेट लेवल फोर्सोराइलेशन को भी जी बोलते हैं तो भी आंसर क्या होगा अपना वन ठीक है तो याद रख लेना कि सीट्रिक एसिड कितनी पूछी गई है अगर एक टन है तो वन ठीक है इस हिसाब से ये क्वेश्चन नीट टू में पूछा गया था हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि वेर इज़ रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट्स देखो प्लांट के अंदर जो अपना रेस्पिरेटरी ई सिस्टम जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो वो कहाँ पर लोकेटेड होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है अपना माइटोकोंड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आउटर माइटोकड्रियल मैम्ब्रीन इनर माइटोकोंड्रियल मैम्ब्रीन या इंटर मैमब्रीन स्पेस सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैमब्रेन तो वहाँ पे अपना ई सिस्टम जो है वो क्या होता है लोकेट होता है ये चीज़ याद रख लेना ठीक है योडिसा नीट टू थाउजेंड के पेपर में पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट भाई इनकरेक्ट पूछ रखा है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि करेक्ट पूछ रखा है या इनकरेक्ट तो ये अपने दिमाग में रख लेना कि इनकरेक्ट पूछ रखा है मतलब जो गलत है वो पूछ रखा है ठीक है स्टेटमेंट चलो देख लेते हैं फर्स्ट दे रखिए कि एंजाइम्स ऑफ टी सी ए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकडेरियल मैट्रिक्स ट्राई कार्बोजिलिक एसिड साइकिल ठीक है तो ये कह रहा है कि ये कहाँ भी प्रेजेंट होती है इसके जो एंजाइम है वो कहाँ भी प्रेजेंट होते हैं अपने माइटोकडेरियल मैट्रिक्स के अंदर होते हैं सो so, ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक है ठीक है ये करेक्ट है फिर कह रहे कि ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोसोल ये भी बिल्कुल ठीक है फिर कह रहे कि ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद एन ट कैन पिकअप हाइड्रोजन आइटम ग्लाइकोलाइसिस तब तक होएगी जब तक इसको सप्लाई किए जाएंगे क्या सप्लाई किया जाएगा एनईडी ये क्या करेगा हाइड्रोजन एटम को पिकअप करने का काम करता है तो ये बात भी इसकी क्या है बिल्कुल ठीक है फिर कह रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव फोर्सफोरालेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइट्रोकोन्ट्रियल मेम्ब्रेन तो यहां इन्होंने कर दी गड़बड़ गड़बड़ क्या कर दी आउटर लिख दिया और इसकी जगह क्या आना चाहिए था इनर आना चाहिए था ठीक है तो जो अपनी ऑक्सीडेटिव फोर्सफोरालेशन है इसमें क्या होता है अपना ऑक्सीडेटिव फोर्सफोरालेशन के अंदर इन ए की फॉर्मेशन होती है ठीक है जो अपने रेस्पिरेशन में एनएडी ए डी सब जो अपने एनर्जी मिलती है तो वहाँ से क्या होता है अपना एटीपी की फॉर्मेशन होती है तो वो कहाँ होती है तो वो अपनी इनर माइटोकोडरियल मेम्ब्रेन के अंदर होगी ना कि आउटर के अंदर सो so, अपना इनकरेक्ट ऑप्शन जो हो यहां है वो यहाँ क्या है डी ठीक है ये नीट टू में पूछा गया क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फॉर क्रैब साइकिल अब फिर से ये रॉन्ग दे देंगे देखो राइट बहुत कम दी जाती है ठीक है नीट के अंदर क्या देते हैं ज़्यादातर जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट देखने को मिलती है हमें तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो क्रैब साइकिल के लिए सही है सॉरी रॉन्ग है ठीक है क्रैब साइकिल के लिए रॉन्ग कौन सी स्टेटमेंट है गलत कौन सी है वो देख लेते हैं फर्स्ट दे रखा है कि देर इज़ वन पॉइंट इन द साइकिल वेर एनी डी सॉरी एफ ए डी पॉजिटिव इज रिड्यूस्ड टू एफ ए डी एच टू तो क्या ऐसा होता है मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे एफ ए डी पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस होकर गया या डी एच टू के अंदर कन्वर्ट होता है तो ऑफ कोर्स आता है ठीक है तो ये अपना जो ऑप्शन है वो करेक्ट है और किसके अंदर आता है मीन्स कौन सी पॉइंट के अंदर आता है तो वो भी याद रख लेना जब सक्सेनिक एसिड जो है किसके अंदर कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तब अपना जो है वो एफ ए डी पॉजिटिव वो रिड्यूस होता है एफ ए डी एच टू के अंदर ठीक है कौन सक्सेनिक एसिड टू मैलिक एसिड सो ये ऑप्शन तो अपना करेक्ट है। फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सेनाइलडीज सिंथेटाइज फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो उसमें इसी की, बात तो हमने की थी ठीक है तो ये ऑप्शन भी अपना क्या है करेक्ट है साइकिल स्टार्ट विद कंडेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप दैट इज एसिटाइल भी बात बिल्कुल ठीक है इतनी फिर कह रहे कि विद पारोविक एसिड टू एसिड देखो यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी क्या लिख दिया पायरुविक एसिड लिख दिया और आना क्या चाहिए था यहाँ पे आना चाहिए था ओग्जैलो एसिडिक एसिड ठीक है सिट्रिक एसिड बनना है मीन्स सिक्स कार्बन का जो कंपाउंड है वो बनना है ठीक है तो ओगजैलो एसिडिक एसिड जो है अपना फोर कार्बन का होता है और जो एसिटाइल कोंजाई में है ये अपना टू कार्बन का होता है तो टू कार्बन प्लस ये फोर कार्बन वाला वो सिट्रिक एसिड दैट इज सिक्स कार्बन वाला कंपाउंड जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं ना कि पायर्विक एसिड यूज होगा यहाँ पे सो so, अपना रोंग स्टेटमेंट पूछ रखा है तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा सी ठीक है लास्ट में पूछ रखा है कि देर आर थ्री पॉइंट्स इन द साइकिल वेर एन ई डी पॉजिटिव इज रिड्यूज टू एन ई डी एच प्लस एच पॉजिटिव तो ये ठीक है तीन पॉइंट ऐसे आते हैं ठीक है और जिसमें अपना क्या होता है एन ई डी पॉजिटिव रिड्यूस होकर एन ए डी एच टू में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है सो so, नहीं टू थाउजेंड सेवनटीन में पूछा गया क्वेश्चन था तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना है कि अपने को क्या करना है कि साइकिल जो उसको एक अच्छे से दिमाग में रख लेना है कि इसके अंदर कौन सा ए यूज़ हो रहा है इसके अंदर कौन सा एफ टू कितना लग रहा है या जी टी कहाँ बने रहा है किस पॉइंट के अंदर बन रहा है तो वो थोड़ा ध्यान रखना है ठीक है किसकी फॉर्मेशन से जो अपना सिट्रिक एसिड बनता है तो ये चीज़ें ही जो नीट में पूछी जाती है से नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑक्सीडेटिव फोसफोराइलेशन इज ऑक्सीडेटिव फोसफोराइलेशन होती क्या है तो मैंने अभी बताया था क्या होती है कि एटीपी का बनना होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होती है कहाँ से जब अपना क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है कहाँ से एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए रिड्यूस्ड कोजाइम का लाइक एन ई डी एच हो गया अपना या फिर हम कह सकते हैं एफ ए डी एच टू हो गया ठीक है तो इनका जब Uh, क्या करता है इनका ऑक्सीडेशन होता है ये कहाँ से मिलते हैं वैसे अपने को तो रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो प्रोड्यूस हुए है, होते हैं ठीक है ठेके? तो जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी जो लिब्रेट हो रही होती है जो एनर्जी रिलीज हो रही हो रही होती है तो वो क्या करेगी अपने वो किसकी फॉर्म में हम देखने को मिलेगी वो ए टी की फॉर्मेशन करती है ना एक टाइप से तो वही प्रोसेस जो होती है वो ऑक्सीडेटिव फोर्सोराइलेशन होती है कहाँ होती है इनर या आउटर माइंटोकोनोरियल मेम्रेन तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है ना अपना तो ये जो है वो इनर में यूज़ होगी ठीक है इसके एंजाइम जो है वो लोकेटेड होते हैं कहाँ पे इनर माइटोकोन्डेरियल मैमब्रेन सो अपना राइट right ऑप्शन क्या हो जाएगा देखते हैं चलो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ट्रांसफर ऑफ फोस्फेट ग्रुप फ्रॉम आई सब्सिडी टू एटीपी टी तो ऐसा कुछ नहीं होता है ऑक्सीडेटिव फोस्फेराइलेशन के अंदर फिर कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन ए ऐसा भी कुछ नहीं होता है ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए रिड्यूस्ड किसका होना चाहिए भाई रिड्यूस्ड को एंजाइम एन हो या फिर डी ठीक है फिर कह रहे हैं कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ये भी ऐसा कुछ नहीं होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव रिमूव्ड ड्यूरिंग सबस्टेट ऑक्सीडेशन तो यही अपना जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि साइटोक्रोम आर फाउंड साइटोक्रोम बाई कहा मिलते हैं कहाँ मिलते हैं साइटोक्रोम क्रिस्टा ऑफ माइटोकोडेरिया लाइजोसोम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकोंडेरिया या आउटर वॉल ऑफ सो राइट ऑप्शन इज क्रिस्टा ऑफ माइटोकोंडेरिया अच्छा बात करें साइटोक्रोम की तो साइटोक्रोम चीज़ क्या है तो ये साइटोक्रोम जो होता है वो ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है क्या होता है एक टाइप से ग्रुप ऑफ प्रोटीनस होता है इसमें क्या होता है कंटेन करता है क्या क्या रखता है ये तो ये एक टाइप का क्या होता है अपना आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप ठीक है तो हीम ग्रुप जो है वो रखता है ये ठीक है तो ये है क्या चीज़ एक बार ढंग से देख लेते हैं तो ये जो एक टाइप का पार्ट होता है किसका पार्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमें कहाँ देखने को मिलेगी माइटोकोंडेरिया की क्रिस्टा के अंदर कहाँ पे माइटोकोंडेरिया की क्रिस्टा में तो ये साइटोक्रोम कहाँ देखने को मिलेंगे क्रिस्टा ऑफ माइटोकोंडेरिया ठीक है अगर यही बात जो है कि माइटोकोंडेरिया में तो यहाँ देखने को मिलेंगी अगर मैं पूछ लूँ क्लोरोप्लास्ट में कहाँ देखने को मिलेंगी क्योंकि उसमें भी साइटोक्रोम होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में हमें देखने को मिलेंगी Uh, कहाँ पे थाइलकोइड ठीक है थाइलकोइड के अंदर तो ये छोटी बातें हैं एक दो तो ये चीज़ें इनसे रिलेटेड है तो ये भी याद रख लेना ठीक है सो so, साइटोक्रोम जो है हमें कहाँ देखने को मिलेगा क्रेस्टा ऑफ माइटोकॉन्टेरिया और अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो थाइलकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट ठीक है फिर कह रहे कि इन माइटोकोंडेरिया प्रोटोन्स अकोमलेट इन द माइटोकोडेरिया के अंदर जो प्रोटोन अकोमलेट्स होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं वो कहाँ पर होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में इनर मेम्ब्रेन में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर मैट्रिक्स सो राइट ऑप्शन इज सी दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तो एन सी में मैंशन लाइन है ये कि माइटोकोडेरिया के अंदर जो प्रोटोन्स अकोमलेट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं तो वो अपने होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर सो राइट ऑप्शन इज सी सो इस पार्ट में इतना ही गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में So thanks for watching my video and if you like my video then also subscribe my channel.